कुछ लोग मेरे से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ जल्दी निकलना पड़ेगा, उतना सेफ एरिया नहीं है। इंडिया देख के समझ गई मेरे को। भाई चलते जा रहे हैं। 10 मिनट हो चुका है, अभी और चलना पड़ेगा लग रहा है। लोग यार कैसे लेट लेट के फोटो ले रहे हैं, गजब का टायर में आए हुए हैं। क्या व्यू है यार यहाँ से यार। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी मैं साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील के सेकंड लार्जेस्ट सिटी एंड मोस्ट विजिटेड सिटी रियो दे जनेरो में हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग ना सिर्फ रियो के बल्कि पूरे ब्राजील के आइकॉनिक सिंबल एंड मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट क्राइस्ट द रिडीमर को विजिट करने वाले हैं, जिसको ईयर 2007 में वोटिंग प्रोसेस से वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाया गया है, और जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग रियो दे जेनेरो और ब्राजील आते हैं। हालांकि अब काफी लोग कैम्बोडिया के एंकोर वाट टेंपल को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। आज वेदर बहुत ही ज्यादा विंडी है, एक्सट्रीम विंडी है, नॉर्मली इतना विंडी होता नहीं है, तो मे बी आज की वीडियो में थोड़ा ऑडियो का इश्यू हो सकता है। क्राइस्ट द रिडीमर जीसस का स्टैचू है, जिसको सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी अराउंड द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और ये स्टैचू रियो के 700 मीटर्स हाई एक माउंटेन पीक पे लोकेटेड है, जो कि रियो के सिटी के अंदर ही आता है। इस वजह से क्राइस्ट द रिडीमर रियो सिटी के काफी अलग अलग पार्ट से दूर दूर से विजिबल है। आप रियो के रोड पे ड्राइव करते हुए और सिटी के अलग अलग पार्ट से डायरेक्टली क्राइस्ट द रिडीमर को स्पॉट कर सकते हो, क्योंकि इतनी हाइट पे लोकेटेड है ये। लेकिन क्राइस्ट द रिडीमर जाने के एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, मैं जस्ट अभी अपने हॉस्टल के बाहर निकला हूँ। हम लोग एक ऐसे कैथेड्रल में जाने वाले हैं जो कि मेरे हॉस्टल के बहुत ही पास है, तो मैं वॉक करके जा रहा हूँ। और इस कैथेड्रल का जो आर्किटेक्चर है, वैसा कैथेड्रल वर्ल्ड में शायद ही कहीं पर हो। एक ऐसा कैथेड्रल जो कि मैक्सिको के माया सिविलाइजेशन के पिरामिड से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, मेक्सिको से इतने दूर। तो अभी मैं वॉक करके रियो के उस पॉपुलर कैथेड्रल में जा रहा हूँ। आज संडे का दिन है, अभी हम लोग रियो के सेंटर में हैं, और संडे के दिन ना रियो का सेंटर पूरा खाली हो जाता है, लोग बोलते हैं पूरा डिजर्टेड हो जाता है, बहुत ही कम लोग दिखेंगे, सारे शॉप सब कुछ यहाँ बंद रहते हैं। देखो ये चर्च है, कैथेड्रल है, बट इसका रास्ता नॉर्मली यहाँ से ओपन रहता है, बट आज बंद है। संडे के दिन में भी पता नहीं, बंद है, खुला है, दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे होमलेस लोग यार यहाँ पे देख सकते हो। कुछ लोग मेरे से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ जल्दी निकलना पड़ेगा, उतना सेफ एरिया नहीं है। देख सकते हो, लोग बोलते हैं ना संडे के दिन रियो के शहर में, रियो के सेंटर में ना ही घूमा जाए तो ही बेटर है, बाकी दिन तो कहीं कहीं जगह पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती, इतने लोग रहते हैं, बट संडे के दिन पूरा डिजर्टेड हो चुका है। और मेरे यहाँ ना कैथेड्रल, और कैथेड्रल तो मेरे यहाँ से दिख रहा है, पर कैथेड्रल जाने का रास्ता पता नहीं किधर से है। बोल दिया, हाँ कैथेड्रल, कैथेड्रल इसमें ओके ओब्रिगादो, हाँ मी टूरिस्टा, इंडिया या इंडिया, देख के समझ गई मेरे को। शेकी आई डोंट नो, शेकी शेकी क्या बोल रही हैं? ओके शेकी नो, मैं ना इंडिया तो शेकी नहीं तय, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर कॉला सो नो में मेरा नाम युवाना, युवाना ओके, यू टेल नाम मीनो में तोरवशु, वंपा प्राय तोरवशु, ओके चाओ चाओ। सो गाइस, हम लोग फाइनली इस कैथेड्रल पे पहुंच चुके हैं। इस कैथेड्रल का नाम है मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल ऑफ रियो दे जेनेरो, और इस कैथेड्रल का जो इंस्पिरेशन है वो वर्ल्ड फेमस मायंस पिरामिड्स है, जो कि मैंने आप लोगों को चिसेन इत्ज़ा में दिखाया भी था। इसके अंदर चलते हैं, प्रोबेबली ऐसा कैथेड्रल वर्ल्ड में या तो होगा ही नहीं, या तो बहुत ही रेयर होगा, बहुत ही कम होंगे ऐसे कैथेड्रल पूरी दुनिया में जो इस आर्किटेक्चर में बने होंगे। क्या शानदार कैथेड्रल यार, वाओ, ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग कैथेड्रल के अंदर नहीं, कोई पिरामिड के अंदर आ चुके हैं। गजब यार गजब, बहुत ही शानदार कैथेड्रल है ये। कैथेड्रल 1964 से लेकर 1979 के बीच में बना था, लगभग आज से 50 से 60 साल पहले। रियो दे जेनेरो में अप्रॉक्सीमेटली 75% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, और अप्रॉक्सीमेटली 15% पॉपुलेशन कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती है। रियो में मैंने अपना हॉस्टल चेंज कर लिया था, और प्रेजेंटली अभी मैं रुका हुआ हूँ
कोपाकाबाना नेबरहुड में, जहाँ पर कोपाकाबाना बीच लोकेटेड है, ब्राज़ील का मोस्ट पॉपुलर बीच। ब्राज़ील के 26 सारे स्टेट्स में स्टेट ऑफ रियो दे जेनेरो पूरे ब्राज़ील का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। तो पूरे ब्राज़ील में अगर कम से कम एरिया में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं तो वो रहते हैं स्टेट ऑफ रियो दे जेनेरो, जहाँ पर अभी हम लोग हैं। और यहाँ से क्राइस्ट द रिडीमर अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स है। तो क्राइस्ट द रिडीमर जाने के लिए ना, यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ना एक ऑफिशियल वैन चालू करी है। और ये ऑफिशियल वैन रियो के 3 अलग अलग लोकेशन से चलती है, उसमें से एक लोकेशन कोपाकाबाना है, जहाँ मैं वॉक करके जा रहा हूँ। तो इसके पहले हम लोग लापा नेबरहुड में रुके थे, जो कि इस शहर के सेंटर में आता है। जब मैं रियो पहुँचा था, वो काफ़ी थोड़ा ओल्ड टाइप का एरिया था वो, बट अभी हम लोग कोपाकाबाना एरिया में, नेबरहुड में, थोड़ा मॉडर्न एरिया है। यहाँ की रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए। बीच साइड रोड है, यहीं रोड से कहीं से वैन चलती है, मेरे एक्जैक्टली पता नहीं है, बट लोकेशन यही कहीं है, मेरे ढूंढना पड़ेगा। बट वैन कहीं आसपास दिख तो नहीं रही, नज़र तो नहीं आ रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन सही हो, लेकिन कोई से पूछना पड़ेगा कि वैन है कहाँ पे, क्योंकि मैंने यार अपने हॉस्टल में कुछ लोगों से पूछा जो हॉस्टल में काम करते हैं, किसी को वैन के बारे में पता ही नहीं है। बोल रहे हैं आपको ऊबर लेनी पड़ेगी और क्राइस्ट रिडीमर के एंट्रेंस तक जानी पड़ेगी। हाँ जी, वैन फॉर क्रिस्तो क्राइस्ट रिडीमर। पोर्ता सरका, ओके इन्फॉर्मेशन, ओके ओके ब्रिगादो बोल रही है, यहाँ पता करो। तो ये भाई साहब मिले हैं, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे काम करते हैं, तो मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। बोल रहे हैं वैन यहाँ चलती है, बट काफी ट्रिकी है उसको फाइंड करना, वो छुपी हुई रहती है। Pay attention. Yeah, yeah. As your first time here, be careful of your stuff, you know? Because some random guys can grab your stuff. Okay. The reality here. What is your name? Peter. Peter. Pedro. Pedro. Yeah, it's the same. Nice to meet you. Nice to meet you. And don't trust anyone, man. तो मिस्टर पेड्रो, जो कि मेरा मैक्सिकन नाम था, अभी याद आया, मेरे को इस पार्क के अंदर ले जा रहे हैं। ऑलरेडी मेरे को रियो आए कुछ दिन हो चुका है, ये मेरे को इतना यार वार्निंग दे रहे हैं। ऑर्डिनरी बन के रहो, कलरफुल कपड़े मत पहनो, बोल रहे इंग्लिश में मत यूज़ करो, पोर्चुगीज बोलेंगे, पोर्चुगीज आती नहीं है, इंग्लिश बोलोगे लोग समझ जाएंगे, बाहर के हो आपके साथ फिर चांसेस है कुछ ना कुछ होने का। तो ये कोई टिकट ऑफिस है, कोपाकाबाना बीच के जस्ट सामने है, एक पार्क के अंदर। इस पार्क का नाम है लीडो पार्क, LIDO। वन टिकट अगोरा, ओके दैट्स इट, ओके ओब्रिगादो। तो भाई टिकट परचेस कर लिया हूँ। पहले इन्होंने बोला कि भाई बस 45 मिनट के बाद है, अभी नहीं है। तो फिर मैंने बोला भाई इतनी देर कौन वेट करेगा, 45 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सैड हो गया, तो बोले ठीक है एक बस अभी जा रही है, बैठ सकते हो, तुरंत अभी जा रही है। तो मैंने तुरंत फटाफट टिकट परचेस किया, उस सामने वैन जा रही है तुरंत। चलो लकली आते ही पूरे तुरंत वैन मिल चुकी है टिकट, ओके थैंक यू ओब्रिगादो। तो भाई आगे बैठते हैं, नज़ारा देखते हुए चलेंगे। बोल जी यार, बस के आगे बैठ चुके हैं। चाओ, हाउ आर यू? आई एम फाइन, यू? या फाइन, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी, यू? आई एम फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडिया, वाओ। टिकट मेरे को पड़ा, यानी कि यहाँ से क्राइस्ट रिडीमर तक जाना एंट्रेंस टिकट, फिर यहाँ वापस आना, सब कुछ मिला के 101 AIS का लगभग 1500 रुपये हो गया। तो बस थोड़ी देर में निकलने वाली है, बस यहाँ से चलने के बाद ना आई थिंक अराउंड 30 to 40 मिनट पे क्राइस्ट रिडीमर के एंट्रेंस पहुंच जाएगी। सो गाइस, क्राइस्ट रिडीमर के एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं हम लोग। कुछ ऐसा एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर ही ना यहाँ पर एक ये शॉप है काफ़ी ज़्यादा बड़ी, सोमेयर्स की, बहुत सारे आइटम्स यहाँ बिक रहे हैं। किधर जाना है भाई? भाई कुछ ऐसी जगह है यहाँ पर टिकट वैलिडेट करके अंदर जाना है, तो यहाँ टिकट वैलिडेट करते हैं। ओला वन जी आ, ओके ओके। कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि क्राइस्ट रिडीमर ना एक माउंटेन पीक पे लोकेटेड है, जैसे मैंने बताया। तो देखो पूरा नीचे माउंटेन है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरी बिल्डिंग, ये पूरे स्टेयर्स, पूरा एक माउंटेन पे बना हुआ है, जिसके बारे में हम लोग ऊपर जाके बात करेंगे। हमको लग रहा है अभी और पता नहीं कितना चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर जाकर लाइन दिख रही, अभी तक तो लाइन दिख ही नहीं रही थी, यहाँ पर जाके अब क्यू शुरू हुआ है। क्राइस्ट रिडीमर को देखने ना पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और ब्राज़ील के अलग अलग पार्ट से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। लेकिन मेरे को जितने लोग रियो मिले ना, उसमें ज़्यादातर लोगों ने बोला भाई कि कभी भी उन लोग क्राइस्ट रिडीमर नहीं गए हैं। मतलब कि लोकल जो रियो के लोग हैं, उनके बीच ना कोई इंटरेस्ट या कोई क्रेज़ नहीं है,
क्राइस्ट रेडीमर को लेके। ऑलमोस्ट आपने बोला भाई हम लोग कभी नहीं गए, हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, जाना हो तो कभी भी जा सकते हैं। भाई चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 10 मिनट हो चुका है, अभी और चलना पड़ेगा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। तो भाई फिर से वैन लेना पड़ रहा है, हमको लगा गलत जगह तो नहीं आ गया, कहीं वापस तो नहीं जा रहा हूँ मैं, पता नहीं। हाँ क्रिस्तो, हाँ ओके भाई क्या हो रहा है ये, वी गो टू क्रिस्तो नॉट गोइंग बैक राइट ओके। बड़ा कंफ्यूजिंग है यार ओके। बोला फिर से वैन के अंदर आ चुके हैं, न्यू वैन लेनी पड़ रही है। दूसरी बस ने यहाँ पर ला के ड्रॉप कर दिया है। यहाँ से एकदम पास में ही क्राइस्ट रिडीमर का स्टैचू है। दूसरी बार जर्नी रही होगी 10 मिनट की। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ में चलते चलते सामने ये आ चुका है पूरे ब्राज़ील का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट, आइकॉनिक स्टैचू क्राइस्ट रिडीमर। अभी हम लोग इसके पीछे साइड है, अभी वॉक करके चल के आगे जा रहे हैं। इसके काफ़ी सारे स्टेयर्स क्लाइम करना पड़ रहा है ऊपर जाने के लिए। लोग यार कैसे लेट लेट के फोटो ले रहे हैं, इतना क्राउडेड है, इतना डेंस है ये एरिया। बहुत छोटा सा एरिया, बहुत थोड़ा सा एरिया है, उसमें यार इतने सारे लोग हैं, फोटोग्राफर जहीन में लेट लेट के फोटो ले रहे हैं उस एंगल के लिए ना, फोटोग्राफर लोग भी लेट लेट के फोटो ले रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं अपने वन ऑफ द सेवेंथ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के सामने, द क्राइस्ट ऑफ रिडीमर स्टैचू के सामने। ये देखो गजब का फील हो रहा है यार यहाँ पे। ये क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू लोकेटेड है 700 मीटर कोरकोवादो माउंटेन के पीक पे, जो कि तिजुका नेशनल पार्क का पार्ट है। और ये तिजुका नेशनल पार्क रियो सिटी के अंदर ही लोकेटेड है, इस वजह से इस माउंटेन के पीक से रियो का पूरा शहर दिखता है। रियो शहर के काफ़ी पार्ट्स इस जगह से विजिबल है जहाँ पर ये स्टैचू लोकेटेड है। और ये तिजुका नेशनल पार्क या तिजुका फॉरेस्ट साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट अर्बन फॉरेस्ट है, और पॉसिबली पूरे वर्ल्ड का। पूरा नेशनल पार्क, पूरा फॉरेस्ट, पूरा ये माउंटेन सिटी लिमिट्स के अंदर ही लोकेटेड है। ये क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू मेरा 7 में से 6th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, आफ्टर ताजमहल, पेट्रा इन जॉर्डन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कोलोसियम इन रोम इटली, और फिर अभी इसके पहले मैं जो गया था मेक्सिको के चिचेन इत्ज़ा, और ये 6th। अब इसके बाद मेरा एक ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड बचा है, वो है माचू पिच्चू, जो कि पेरू में लोकेटेड है, ब्राज़ील की नेबरिंग कंट्री है। इस ट्रिप में जाएंगे हम लोग वहाँ पर भी। अगर 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाए, जिसमें कंबोडिया का अंकोर वाट भी लोकेटेड है, वहाँ पर भी मैं जा चुका हूँ। ये पूरा एरिया ना बहुत छोटा एरिया है, बहुत छोटे एरिया में बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत ही रश है। तो कुछ लड़कियां इस रेलिंग में खड़े होकर फोटो खिंचा रही थी, तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनको हटाने लगे हैं फिर विसल करके। ये जो क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू है, ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप देखोगे तो ऊपर ये स्टैचू है जिसकी हाइट है 30 मीटर्स, 30 मीटर का स्टैचू है, और उसके नीचे ये पेडेस्टल है जो कि 8 मीटर्स का है। तो इस पेडेस्टल के ऊपर ये स्टैचू सिचुएटेड है। इस पूरे की कॉम्बाइंड हाइट है 38 मीटर्स, और ये लार्जेस्ट आर्ट डेको स्टैचू इन द वर्ल्ड है। जो आर्ट डेको स्टाइल था ये 1930s में ओरिजिनेट हुआ था, उस टाइम ये स्टैचू भी बनाया गया था लगभग आज से 100 साल पहले। ये आर्ट डेको स्टाइल ना ह्यूमन मेड, मैन मेड ज्योमेट्रिकल शेप और साइज का डिजाइन होता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हेलो गाइस, यू आर वेलकम, माय नेम इज नेगोटेल, आई डू बुशमैन प्रैंक हियर इन साओ पाओलो, बुशमैन फ्रॉम साओ पाओलो, फ्रॉम साओ पाओलो, नेगोटेल पेगाजी, सब्सक्राइब एंड लाइक। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज थियोफिलोस, आई एम फ्रॉम गाना। फ्रॉम गाना? या, आई एम एन अफ्रीकन। यू डू अ प्रैंक वीडियोस? या, आई बीन टू योर कंट्री Ghana. Have you been there before? Yeah, I've been to Ghana. So how is it? Did you Accra. Like it? Yeah, I like Accra. Accra, the yeah. city, right? Yeah, I was yeah, there. Yeah, very cool, isn't it? Yeah, yeah. People yeah. are very good. Yeah. Africa is very cool. What do you do? You do travel videos? Yeah, 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 yeah. So, brother, see, Gazab's tower. We have come. Pura
बुश के टायर में आए हैं, बोल रहा है आई एम अ बुशमैन। Amigo, thank you so much for your time. Nice to meet you. Thank you. जब पोर्चुगल से इंडिपेंडेंस मिले ब्राजील को लगभग 100 साल हो चुके थे, उस टाइम पे ये स्टैचू को बनाया गया था 100 साल इंडिपेंडेंस के पूरा होने पे। और उस टाइम ऐसा माना जाता था कि ब्राजील में बहुत सारे लोग बहुत ही कम रिलीजियस हो रहे हैं और रिलीजन में अपना फेथ खो रहे हैं, तो ब्राजीलियंस के बीच रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस फेथ को वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए ना स्टैचू को बनाने का आइडिया लाया गया था जो रियो के सारे पार्ट से विजिबल रहे। तो ये सारे रीजंस की वजह से क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू को बनाया गया था उस टाइम। ये स्टैचू ब्राजील के लोगों के द्वारा डोनेशन दे के फंड किया गया था ताकि ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके कि ब्राजील में लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं। कुछ सोर्सेस ऐसे भी बोलते हैं कि ये स्टैचू एक रिलीजियस प्रोपोगेंडा था। इस क्राइस्ट के स्टैचू को ना फ्रांस में बनाया गया था और फिर उसके अलग अलग पीसेस को रियो द जेनेरो शिप किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर लाके स्टैचू को असेंबल किया गया और कंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये स्टैचू माउंटेन में लोकेटेड होने की वजह से ना काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हाइक करके भी आते हैं, लेकिन ईयर 2017 में ना हाइकिंग के दौरान एक पॉलिश मैन को ना स्टैब करके मार दिया गया और 2019 में इसी माउंटेन पर ही ना एक दर्जन लोगों को गन पॉइंट पे रॉब कर दिया गया। देखो भाई लोग कैसे कैसे यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जमीन पर ही लेट के फोटो खींच रहे हैं, खिंचवा रहे हैं। स्टैचू इतना हाइट पे है, इतना टॉल है, जगह बहुत कम है, दूर से फोटो ले नहीं सकते हैं, तो बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ पर फोटो लेना। तो लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं ये कैसी फोटो लिया जा सके। इस स्टैचू के पीछे तरफ एक चर्च भी है जो कि स्टैचू के अंदर लोकेटेड है, बहुत ही छोटा चर्च है और कुछ लोग आके यहाँ पर प्रे भी कर रहे हैं इस चर्च के अंदर। ये क्राइस्ट द रिडीमर का पूरा स्टैचू रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट और बहुत सारे सोप स्टोन टाइल्स के पीसेस से बना है। इतने बड़े माउंटेन के पीक पे लोकेटेड होने की वजह से ना इस क्राइस्ट के स्टैचू पे पूरे साल बहुत सारी लाइटनिंग स्ट्राइक्स पड़ती है, जिस वजह से स्टैचू थोड़ा बहुत डैमेज भी हो जाता है। ईयर 2008 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से स्टैचू का हेड, आईब्रोज और फिंगर्स डैमेज हो गए थे, और फिर ईयर 2014 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग के हिट होने की वजह से क्राइस्ट का एक फिंगर टूट गया था, उसको फिर बाद में रिपेयर किया गया। सो गाइस स्टैचू मैंने पूरा घूम लिया, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्राइस्ट द रिडीमर। अब जैसे आया था वैसे ही वापस जा रहा हूँ। जहाँ पर मैंने मॉर्निंग में वैन लिया था सेम स्पॉट पे, वैन ले ला के ड्रॉप कर दिया है मेरे को। साम पालो में ना ये मोटो टैक्सी नहीं चलती है, रियो में हर जगह मोटो टैक्सी चलती है। फिर उसके बाद मैं ऊबर से मोटो टैक्सी बुला के रियो के एक बहुत ही पॉपुलर सनसेट व्यू पॉइंट की तरफ गया और फिर कुछ ऐसा हुआ। और ये जगह ना सनसेट के लिए अल्ट्रा पॉपुलर है। क्या व्यू है यार यहाँ से, यार शानदार व्यू है यार। ये पूरी इधर रियो की सिटी, उसके पीछे माउंटेन, इधर ये वाइट सैंड बीच, कितना साफ सुथरा है यार वाइट सैंड बीच। लोग यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कई टाइप के स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उस तरफ पूरे माउंटेन्स। क्या शानदार व्यू, क्या शानदार नज़ारा है यार। सो गाइस हम लोग उस लोकेशन पर आ चुके हैं जो जगह पूरे रियो में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सनसेट के लिए। ऑल दो सनसेट का टाइम ना अराउंड 5:45 बजे का है, लेकिन हर तरफ यहाँ पे जो जगह है ना माउंटेन से सराउंडेड है। तो देखो सनसेट कहीं वहाँ पर हुआ है, बट सनसेट होने से पहले ही सन दिखना बंद हो चुका है। हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, ऐसे भी हो सकता है। अभी टाइम हो रहा है, अभी 5:30 से भी कम है, 5:25 के आसपास है। सनसेट में अभी अराउंड 15-20 मिनट है, बट माउंटेन की वजह से सन छुप गया है। लेकिन यहाँ पे रश और भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं। तो अभी तो मैं शू पहना हुआ हूँ, तो बीच पे तो नहीं जा रहा हूँ। सो गाइस अभी शाम की अराउंड 6 बज रहे हैं, तो अभी मैं एक कैफ़े का मैं रेस्टोरेंट आया हुआ कुछ खाने के लिए। अपना ये आज का खाना आ चुका है, काफ़ी लाइट मैंने खाना मंगाया, कुछ बहुत हैवी खाने का मेरा मन नहीं था। तो देखो ये नेचुरल ऑरेंज जूस है, ये ब्रेड है, बटर है, ये स्क्रैम्बल्ड एग है, और इधर ये काफ़ी सारा सैलड है।
इतना कुछ है. तो इतना कुछ मेरे को 42 AIs में पड़ा है, अराउंड 650 रुपए के आसपास हो गए हैं. उसे खाते हैं फिर. सो गाइस, मैं ऑलमोस्ट अपने हॉस्टल पहुंच चुका हूं. तो वीडियो फिर आज का यहीं ख़त्म करते हैं. मिलते हैं आप लोगों को बहुत जल्दी अगली वीडियो में.